एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र 9-10 वर्ष की ही थी, अपने पिता के साथ हनुमान मंदिर जाया करता था। पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा किया करता था। बच्चा दिन में कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था और हर मंगलवार शनिवार मंदिर जाके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता था। हर बार की भांति इस बार भी मंगलवार को जब प्रसाद चढ़ाने गया तो मंदिर में अधिक भीड़ थी। भीड़ के कारण प्रसाद चढ़ा तो दिया पर प्रसाद ले ना पाया, मंदिर से बाहर आ गया और चुपचाप उदास होकर अपने घर पे वापस चला गया। घर पर आया तो हनुमान जी की फोटो के आगे बैठकर रोने लगा और बिना कुछ खाए वहीं पर बैठे बैठे सो गया। बच्चे को सपना आया कि एक बाबा जी कंबल ओढ़े हुए उसके पास आए और कहने लगे कि तू मुझे बहुत याद करता है ना, तू हमेशा मेरे पास आता है, ले आज मैं तेरे पास आया हूँ और तू मंदिर से आज प्रसाद भी नहीं लाया, मैं तेरे लिए प्रसाद भी लेके आया हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर बच्चे को प्रसाद दिया और तख्त पे जाकर बैठ गए। इतने में ही बच्चे की आंख खुल गई और जब घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बजे थे। मन ही मन में विचार करने लगा कि ये कंबल वाले बाबा कौन थे जो मुझे प्रसाद भी दे कर गए हैं। बच्चे से रहा न गया और मंदिर की तरफ दौड़ा चला गया। जैसे ही हनुमान मंदिर पहुंचा तो देखता ही रह गया, कभी तो उसको हनुमान जी नजर आते और कभी कंबल ओढ़े बाबा नजर आते। बच्चा पंडित जी के पास गया और पूछने लगा, पंडित जी मुझे एक बात बताइए, हनुमान जी की इस मूर्ति में मेरे को एक बाबा नजर आते हैं जिन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है, क्या यही हनुमान जी हैं? पंडित जी बोले, बेटा आज तुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए, ये बाबा नीम करोली जी हैं जिन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है, यही हनुमान जी का दूसरा स्वरूप है, बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय। बच्चे की खुशी का ठिकाना ना रहा, खुशी खुशी घर आया और मम्मी पापा को सारी बातें बताई और कहने लगा, मुझे एक बार बाबा नीम करोली जी के दरबार पे ले चलो, मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं। पिता ने बच्चे के भाव देखे और अगले ही दिन सह परिवार कैंची धाम की यात्रा को चल पड़ा। कैंची धाम पहुंचे तो देखा वहां बहुत भीड़ है। बेटे ने पिता से कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, दर्शन के बाद मैं आपको यही दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा, लेकिन मुझे आज बाबा से कुछ बातें करनी है। सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, बच्चा भी मम्मी पापा के पीछे दर्शन करने के लिए चल पड़ता है। मम्मी पापा दर्शन करते हैं, पंडित जी प्रसाद देकर बोलते हैं आगे चलो जल्दी भीड़ बहुत है, वो आगे निकल जाते हैं। बच्चे का नंबर आ जाता है, बाबा के आगे खड़ा हो जाता है। बच्चा बाबा को निहारने लगता है, इतने में ही पंडित जी कहते हैं, अरे चल बेटा आगे। बच्चा बाबा जी की तरफ देखता रहता है और पंडित जी की तरफ एक हाथ कर देता है। पंडित जी कहते हैं, अरे क्या चाहिए बेटा, प्रसाद चाहिए, ले प्रसाद ले ले, अब तो आगे चल। बच्चा एक हाथ में प्रसाद ले लेता है तो दूसरा हाथ भी पंडित जी की तरफ आगे करके उसमें भी प्रसाद ले लेता है। इतने में ही बाबा से आंखों आंखों में मन की बातें करता है और कहता है, बाबा अच्छी बात नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मैं बहुत दूर से तेरे से मिलने आया हूँ और ये पंडित जी मुझे 2 घड़ी भी तेरे पास खड़े होने नहीं दे रहे। अगर मेरा प्रेम सच्चा है और अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मंदिर के पीछे आके मुझसे मिलो बाबा, मैं वहीं खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बाबा ने देखा बच्चा जिद्दी है लेकिन भाव बहुत सच्चा है। जैसे ही बच्चा मंदिर के पीछे जाता है क्या देखता है कि बाबा पहले ही खड़े हैं और देखता ही रह जाता है। बाबा कहते हैं, क्यों तेरे माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं क्या, जब कोई बड़ा आता है तो उसके चरण भी छुए जाते हैं या नहीं? बच्चा कहता है, बाबा आप खुद देखो, मेरे दोनों हाथों में प्रसाद है, मैं आपके चरण कैसे छू सकता हूँ, अगर मैंने आपके चरण छुए तो प्रसाद जमीन पर लग जाएगा और मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि जितना बड़ा सम्मान बाबा का उससे बड़ा सम्मान बाबा के प्रसाद का। बाबा धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब क्या करेगा? बच्चा बोला, बाबा मुझे क्या करना है, जो भी कुछ करना है आप ही को तो करना है, और क्या कहने लगा, हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा, कैसे पढूं मैं चरण तिहारे,
कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, सोच सोच मैं हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, सोच सोच मैं हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। अब बाबा जी और वो नन्हा सा बच्चा आमने सामने खड़े हैं। बच्चे के दोनों हाथ में प्रसाद है और बाबा जी उसको देख रहे हैं। बाबा को बच्चे पे बहुत प्यार आया और उसको गले लगा लिया, तो बच्चा बाबा से क्या कहने लगा। बाबा ऐसे ही मत बाबा मुझको गले लगाओ, ऐसे ही मत बाबा मुझको गले लगाओ। मेरे हाथ घिरे हैं गोदी मुझे उठाओ, मेरे हाथ घिरे हैं गोदी मुझे उठाओ। थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो, थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो अपने हाथों द्वारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, सोच सोच मैं हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। बच्चा बाबा के साथ ऐसे अठहेलियां करने लगा जैसे कोई अपने बाबा या नाना के साथ करता है। बाबा जी इस बात पर बड़े ही खुश हुए और बच्चे को देखकर हंसने लगे, तो बच्चा क्या कहता है। क्यों हंसते हो इतने इतना मुझे बताओ, क्यों हंसते हो इतने इतना मुझे बताओ। हो तुम हनुमान हो मेरे यूं ना मुझे सताओ, तुम हनुमान हो मेरे यूं ना मुझे सताओ। करो ना व्याकुल बहने लगेगी, करो ना व्याकुल बहने लगेगी आंखों से अश्रु धारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, सोच सोच मैं हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। बाबा ने बच्चे को गोदी में उठा लिया और बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और बाबा पूछने लगे, अरे एक बात बता, तेरा नाम क्या है। बच्चा कहने लगा, बाबा आप तो सब जानते हैं लेकिन आप पूछते हैं तो बताता हूँ। सेवा करूँ मैं तेरी, सेवक नाम है मेरा, सेवा करूँ मैं तेरी, सेवक नाम है मेरा। तू भगवान है मेरा नौकर बाबा मैं तेरा, तू भगवान है मेरा नौकर बाबा मैं तेरा। गले लगा कर दुखड़ा हर ले, गले लगा कर दुखड़ा हर, मैंने छोड़ा जग ये सारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, कैसे पढ़ूं मैं चरण तिहारे, सोच सोच मैं हारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा। थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो, थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो अपने हाथों द्वारा। हाथों में प्रसाद है मेरे बाबा तुम्हारा, मेरे बाबा तुम्हारा।